सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। रिया, इस बार की गणपति आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली थी, पर कुछ ऐसा हो गया जो आपके लिए वो गणपति नहीं स्पेशल हो पाई, आप जरूर शेयर करना चाहेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि तो यूजुअली क्या होता है ना कि मैं बाहर काम पे रहती हूँ और मेरा भाई जो है छोटा, वो अपनी पढ़ाई और इन चीज़ों में बिजी रहता है। तो मम्मी कहती थी कि भाई अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब गणपति लाना शुरू करो, ध्यान रखा करो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो मुझ में और आशु में कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं माई ब्रदर्स नेम इज़ आशु। सो फिर इवेंचुअली दिस ईयर आई सेड कि नहीं, इस साल हम अपना गणपति, हम घर पे गणपति लाएंगे और गणपति रखेंगे और बहुत अच्छे से गणपति सेलिब्रेट करेंगे। यूजुअली पूजा तो हर साल हमारे घर होती है, सो आई एम फ्रॉम यूपी साइड, सो हमारे यहाँ 11 दिन पूजा रहती है, यू नो, हर शाम को आरती एंड एवरीथिंग। बट इस साल मैंने कहा कि थोड़े और अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट देन सडनली आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, कहाँ से गणपति लाना है, क्या कैसे तैयारियाँ करनी है। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव की इसी साल डेथ हो गई थी। सो जब आपके घर में ऐसा कुछ होता है, सो यू कैन नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल फॉर अ ईयर। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम ये साल गणपति नहीं ला पा रहे। कहते हैं ना, जब गणपति जी को घर आना होता है वो तभी आते हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर कि गणपति जी ने इस साल दरवाजे बंद कर दिए, बट नॉट टू वरी, अगले साल गणपति जी फिर आएंगे और जब अगले साल आएंगे तो मैं बहुत प्यार से उनका स्वागत करूंगी। अच्छा भैया, किस तरह गणपति इंजॉय करती हैं, क्योंकि बहुत सारे पंडाल लगते हैं, लोग गणपति के दर्शन के लिए जाते हैं, विसर्जन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खास करके मुंबई के अगर मैं बात करूँ। बिल्कुल, एक्चुअली सी, अब यहाँ पे यूजुअली मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे तो 11 दिन का ही गणपति माना जाता है, बट बॉम्बे आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे जो ट्रेडिशन है उसमें 1.5 दिन में उन्हें विदा किया जाता है, 3 दिन में विदा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉम्बे में 1.5 दिन का मनाया जाता है। तो इतने सारे दोस्तों के इनविटेशन आते हैं, भाई हमारे घर आओ, गणपति करो। तो हर साल यही होता है कि ऐसे लिस्ट बन जाती है कि हाँ, इन इनके घर जाना है, मिठाइयाँ देनी है, गणपति जी को विज़िट करना है। इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में भी गणपति जी रहते हैं, तो फंक्शंस होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होती है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी 9th में, तो हमारी सोसाइटी में जो फंक्शन हुआ था, आई एम द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की जो ईगर लड़की होती है, आई एम दैट गर्ल। सो आई पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग, आई पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग। सो या, इट इज़ अ फन फेस्टिवल। और जब विसर्जन होता है तब तो नाचने का अलग ही धूम मचा होता है, वो भी ढोल पे, बैंड बाजा पे। सो या, दैट इज़ आवर सेलिब्रेट। अच्छा, गणपति पापा को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप गणपति पापा को अगर चढ़ाने का मौका मिला, आप उन्हें चढ़ाएं अपने हाथों से बनाकर? मुझे बनाना तो नहीं आता, बट डेफिनेटली अगर मुझे कुछ बना कर उन्हें चढ़ाना है तो मैं मोदक और मोतीचूर के लड्डू बना के चढ़ाऊंगी, बिकॉज आई रियली लाइक मोदक एंड मोतीचूर का लड्डू, एंड इट्स ऑल्सो हिज फेवरेट। सो इस बार कहाँ कहाँ जाने का वैसे प्लान बना के रखा है रिया ने, क्योंकि इन्विटेशन तो अब तक आ ही चुका होगा फ्रेंड्स का? 4 इन्विटेशन आ गए हैं, एंड लिटरली मैं चारों जगह जाना चाहती हूँ। बट एज यू नो, आई एम ऑल्सो शूटिंग फॉर पोरस, या इट्स स्टिल ऑन, यू विल सी मी सून। तो कुछ भी हो सकता है, लाइक देर कैन बी पॉसिबिलिटी कि जिस दिन गणेश उत्सव हो उसी दिन मैं उमरगांव जाकर शूट कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं नहीं जा पाऊँगी, वरना मैं चारों दोस्तों के घर जाऊँगी। अच्छा, गणपति पापा के बहुत सारे सॉन्ग हैं, पर ऐसा कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? अभी जैसे तुमने गणपति सॉन्ग बोला, मेरे दिमाग में श्री गणेश या देवा बचा। सो या, दैट इज़ समथिंग जो सबसे पहले दिमाग में आता है। सो एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे करियो सर? गा के सुनाओ। अरे यार, मैं वर्डिंग्स गलत बोल दूँ इसलिए मैं नहीं गाना चाहती, बट मैं लाइन गा सकती हूँ। श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा, जय श्री गणेशाय नमः। अच्छा, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस गणपति के उत्सव का? आप लोग सब गणपति जी को अपने घर बुलाइए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि भाई ये बात तो सच है, गणपति जी घर आते हैं, खुशियाँ देते हैं और गम अपने साथ ले जाते हैं। इस साल मैं भी ऐसा कुछ अपने घर करना चाहती थी, बट अगले साल करूँगी। आप डेफिनेटली कीजिए, आई बिलीव इन गॉड एंड आई एम श्योर यू गाइस टू। सो इन्जॉय हिज फेस्टिवल, ईट ऑल द फेवरेट फूड्स, यू नो, विच यू लाइक, विच ही लाइक्स, बिकॉज आई थिंक जितनी चीज़ वो पसंद करते वो हम सबको पसंद है। सो या, दैट्स इट, एन्जॉय द फेस्टिवल।